अगर आप भी Instagram ID डिलीट करना चाहते हो तो आप इस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो, $300K तक मिल सकता है। तो ये हुआ 2,40,00,000 रुपये। तो चलिए सबसे पहले इस धमकी को सुनते हैं। भाई ये देख सकते हो, ये तुम्हारा Instagram ID है एंड यहाँ पे देखो ये आपका Instagram ID। चलो अब ये आपका अकाउंट रिपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। भलाई इसी में है कि आप वीडियो डिलीट कर दे। अगर वीडियो डिलीट नहीं करेंगे तो ये आपका अकाउंट बहुत ही जल्दी सस्पेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका अकाउंट रिकॉर्डिंग स्टार्ट मैंने कर दिया है एंड इसके बाद आपका इंस्टाग्राम तो डिलीट होगा ही होगा एंड नेक्स्ट जो नंबर आपका है वो यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो आप सब जगह से हाथ धो बैठेंगे। तो आप सोच रहे हैं कि मैं ही सबसे बड़ा प्लेयर हूँ, तो आपसे भी बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक ब्रदर। हमारे यहाँ ऐसा चीज़ों के लिए कहावत कही जाती है, अधजल गगरी छलकत जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आप खुद ही समझ जाओगे। तो इस वीडियो में मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, फिर इनको एक मैं सजेशन दूंगा एंड फाइनली ये भी बताऊंगा कि इन्होंने उस वीडियो में क्या किया था जिसको अभी आपने देखा। क्योंकि अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हो जाए अनफॉर्चुनेटली, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। ये एक मेरे दोस्त का इंस्टाग्राम पेज है जो कि एक रिएक्शन वीडियो बनाते हैं पब्लिक में जाके, और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें रिएक्शन वीडियो बनाना है तो हमें पब्लिक में जाकर रिएक्शन को शूट करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके वीडियो में जो सामने से थ्रेट दे रहा है उसके जान पहचान के कोई फीमेल का रिएक्शन आ गया है, जिसके वजह से सामने वाला उस वीडियो को डिलीट करवाना चाहता है। हाँ, इसका भी सोल्यूशन है, उस फीमेल के फेस को ब्लर कर दिया जाए, लेकिन सामने वाला बताए तो सही कि किसको ब्लर करना है। फिलहाल मेरे माइंड में क्वेश्चन है, देखो इंस्टाग्राम यानी मेटा एंड यूट्यूब मिलाकर पूरे वर्ल्ड वाइड अप्रॉक्स 2,00,000 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे, और ये नंबर मैं खुद से बोल रहा हूँ, इसका कोई एग्जैक्ट फिगर इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं था। और ये सारे इंजीनियर्स बकरे के चरवाहा तो है नहीं, ये सारे टॉप कॉलेजेस लाइक IITians, NITians या फिर अदर कॉलेज के क्रीम स्टूडेंट होते हैं जो कि इनके टॉप इंटरव्यू क्रैक करके जॉब करते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर कोई अदर रोल भी हो सकता है। तो क्या इनको ये बात पता नहीं होगा कि किसी एक IP एड्रेस से अगर मास रिपोर्टिंग आए तो हमें क्या करना चाहिए? पूरे वर्ल्ड वाइड बस इसी बंदे को पता है कि इंस्टाग्राम पेज एंड यूट्यूब चैनल को मास रिपोर्टिंग करके कैसे डिलीट करना होता है, बाकी लोग तो बेवकूफ है ना। अगर ऐसा ही होता तो किसी का भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आईडी तो बचता ही नहीं है, कि नहीं। सो हे प्रभु, अगर आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनली DM करने का कृपया प्रदान करें। अब मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहता हूँ। चलो मान लिया आप वन पीस हो पूरे वर्ल्ड वाइड, लेकिन आप यहाँ पे स्टेटस लगाकर क्यों बता रहे हो, बल्कि आपको मेटा बग बाउंटी प्रोग्राम पे जाके अपना रिपोर्ट को सबमिट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सच में कोई बग फाउंड कर लिया तो आपको मैक्सिमम $300K तक मिल सकता है। लेट मी कैलकुलेट दिस अमाउंट इन इंडियन रुपीज। सो 300 एंड के मीन्स KG यानी 3 और 0, फिर इसमें हमें 80 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हुआ 2,40,00,000 रुपये, यानी आपको अप्रॉक्स 2.5 करोड़ रुपीज तक मिल सकता है। तो स्टेटस लगाने से बेहतर ये है कि आप यहाँ पे अपना रिपोर्ट को सबमिट करो। इससे दो बेनिफिट होगा, फर्स्ट हमारे देश का नाम और आगे बढ़ेगा, जो भी सुनेगा वो बोलेगा कि है एक इंडियन जो इंस्टाग्राम और ट्विटर आईडी को मास रिपोर्टिंग करके डिलीट कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। सेकेंड, आपका अपना घर आगे बढ़ेगा क्योंकि अब आपके पास 2.5 करोड़ रुपीज है। तो ये था मेरे तब से एक सजेशन। सो अब बात करते हैं कि इन्होंने उस वीडियो में क्या किया था। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने उस वीडियो में कोई रॉकेट नहीं बना दिया था, इवन ये कोड उन्होंने गिटहब से उठाया है। अब गिटहब क्या है, इस पे मैंने बहुत पहले एक डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है किसी दूसरे चैनल पे, बट अगेन गिटहब एक सोशल मीडिया है जहाँ पे डेवलपर्स अपने कोड को शेयर करते हैं एक फोल्डर में, और इसी फोल्डर को हम रेपोजिटरी या फिर गिटहब रेपो बोलते हैं। और इसी गिटहब पे एक रेपोजिटरी है जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, जिसमें ऑलरेडी कोई कोड लिख रखा है, बस हमें स्टेप्स को फॉलो करके इस कोड को एग्जीक्यूट कर देने हैं। तो बस उन्होंने अपने वीडियो में ऐसा ही काम किया है। इस रिपोजिटरी या फिर इससे मिलते जुलते और भी बहुत सारे रिपोजिटरी है
जिसको उन्होंने बस स्टेप्स को फॉलो करके कोड को एग्जीक्यूट कर दिया है और फिर वीडियो बनाकर शेयर कर दिया गया है। बस इतना ही काम हुआ है उस वीडियो में भौकाल दिखाने के लिए। तो अगर आप भी इंस्टाग्राम आईडी डिलीट करना चाहते हो तो आप इस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो, बट हाँ, भौकाल दिखाने से ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई बोले कि इंस्टाग्राम आईडी डिलीट करना पॉसिबल है, तो अब मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ। देखो, इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलोअर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है, तो चैलेंज ये है कि आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इंस्टाग्राम आईडी डिलीट करना है। अगर हो जाए तब तो डंका ही बच जाएगा, अगर ना हुआ तो कोई बात नहीं, यही तो मैं बताना चाहता हूँ। तो ये था पूरा कहानी एक यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम आईडी को डिलीट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।